हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आचार्य। मैं इस सीरीज का चौथा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपके साथ, इस सीरीज का चौथे वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। इससे पहले हमने कौन कौन से सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने सबसे पहले वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सीपीएम डिस्कस किया था, हमारे दूसरे वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ सर्विंग डिस्कस किया हमने, और हमारे तीसरे वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस हमने डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है जो कि नीचे दी गई है, आप चाहें तो लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। नाउ अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है बेटा, तो सबसे पहले हमारे पूरे सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं उनको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए, और इस पूरे के पूरे वीडियो को, जितने भी सीरीज के वीडियो आ रहे हैं, इनको जितना पॉसिबल हो पाए उतना शेयर करिए, ताकि आपके सारे दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच पाए, ताकि वो भी अपने आंसर्स चेक कर पाए कि जो हमारे प्रोविजनल आंसर की में आंसर दिए हैं वो सही हैं या नहीं है, और अगर सही हैं तो क्या कारण है उन आंसर्स के सही होने का। नाउ आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा यहां पे मैं, और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि जब जीपीएससी के एग्जाम के अंदर आप गए थे और आपने बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन को देखा तो आपसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं बने। अगर आपने हमारे तैयारी की होती तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बने होते, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स ने पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के सारे क्वेश्चन बना के आए हैं। और अगर आपसे सारे क्वेश्चन बने इसका मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, और अगर नहीं बने तो आपको नवंबर एंड दिसंबर के एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए नवंबर एंड दिसंबर के क्लास टू के एग्जाम में। नाउ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमसे जीपीएससी ने पूछा है। नाउ बेटा, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे वो क्या था, स्मॉल फीचर्स और हॉलोज इन अ स्टोन विच रेंडर्स इट लायबल टू डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड। यानी कि अगर स्मॉल फीचर्स हैं या फिर हॉलोज हैं किसी स्टोन में जो कि उसको लायबल करे कहां पे वो डिकम्पोज हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो इन चार ऑप्शन में से शेक, मॉर्टल, शेलीबास एंड वेंट, इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए वो क्या है, वेंट है। नाउ इसका कोई ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा डेफिनेशन दिया हुआ है, देखिएगा यहां पे, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर डिफेक्ट इन स्टोन में देखा जाए तो क्या है, वेंट की डेफिनेशन ही है, दीज आर स्मॉल फीचर्स और हॉलोज इन द स्टोन विच रेंडर इट लायबल टू डिकम्पोजिशन। तो ज्यादा इसके बारे में और डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा डेफिनेशन था कहां पे, डिफेक्ट्स इन स्टोन्स में। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है बेटा, जो जीपीएससी ने पूछा गया हमसे, वो क्या है, सरफेस ऑफ अ स्टोन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर इज नोन एज। नाउ वो सरफेस जो परपेंडिकुलर हो किसके, लाइन ऑफ प्रेशर के, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, ये आपकी बेड सरफेस की, देखिएगा यहां पे, बेड सरफेस, द सरफेस ऑफ अ स्टोन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर। तो बहुत टफ क्वेश्चन जीपीएससी ने नहीं पूछे, सिंपल सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ ली है जीपीएससी ने, तो यहां पे और डिटेल में कुछ जाने की जरूरत है नहीं, सिंपल डेफिनेशन थी, वन वर्ड आंसर था। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो जीपीएससी ने हमसे पूछा है, दैट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन फैट लाइम इज। नाउ अगर आपने लाइम ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा फैट लाइम जो होता है इसको रिच लाइम भी कहा जाता है, इसको प्योर लाइम भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, मैक्सिमम। अब कितना परसेंटेज मिलता है बेटा, तो यहां लिखा हुआ है 93-95% कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है किसके अंदर, फैट लाइम के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नाउ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज हमारी थ्योरी बुक से लिया गया था, जो कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की है, सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट वहां पे मेंशन था, इन डिटेल आपको सिर्फ देखना था और इस क्वेश्चन को टिक करके आना था। तो बोलोगे सर कहां पे है वो बुक, तो देखिएगा यहां पे है वो बुक, ये देखिए, ये हमारी बुक का पेज है जहां पे हमने मेंशन किया हुआ है कि फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम में कितना परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए, कहां पे दिया है, तो पेज नंबर 115 बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बुक का नाम। और कॉन्सेप्ट कहां पे दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट यहां फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है, कंटेन्स 95% ऑफ क्ले इन फैट लाइम, कंटेन्स अबाउट 30% ऑफ क्ले इन हाइड्रोलिक लाइम
एंड कंटेन्स मोर देन 30% ऑफ क्ले इन पुअर लाइम। आपको यहां पे अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, इस पे जूमिंग इफेक्ट डालते हैं। जैसे ही बेटा इस पे जूमिंग इफेक्ट डाला हमने, यहां पे ये चीज पॉइंट मेंशन हो गया क्लियरली कि अगर फैट लाइम है तो क्ले कितना होगा, ऑलमोस्ट 95% होगा। अगर हाइड्रोलिक लाइम है तो कितना होगा, 30%, और अगर पुअर लाइम है तो कितना होगा, मोर देन 30%। तो ये सेम का सेम क्वेश्चन हमारी थ्योरेटिकल बुक से लिया गया था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ जो अगला क्वेश्चन बेटा हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द लाइम इज कॉल्ड एज पुअर लाइम व्हेन परसेंटेज ऑफ क्ले इज। नाउ सेम का सेम क्वेश्चन अभी हमने रिच लाइम के लिए या फैट लाइम के लिए पढ़ा था, अब यही चीज हमसे पुअर लाइम के लिए पूछ रहा है। सेम पेज सेम कॉन्सेप्ट, कितना होना चाहिए, कंटेन्स मोर देन 30% ऑफ क्ले। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ग्रेटर देन 30%। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन जीपीएससी ने हमसे पूछा है वो क्या पूछा है बेटा, द वेट ऑफ ग्लास शीट यूज फॉर पैनल शुड बी। नाउ चार ऑप्शन दिए हैं, बोलता है वेट ऑफ ग्लास शीट बताइए जो कि पैनल में इस्तेमाल हो रहा है। नाउ यहां पे कुछ डेटा मैंने आपको दिया हुआ है, यहां पे थिकनेस दी हुई है ग्लास की और यहां पे वेट दिया है इन केजी पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम देखिए 7.48 केजी पर मीटर स्क्वायर है और उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है वेट। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 7.5 केजी पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कहां से लिया गया है, सिंपल ग्लास की प्रॉपर्टी से लिया गया है कि अगर मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्लास है तो उसका वेट कितना होगा। हाँ इससे ज्यादा हो सकता है बट इससे कम कभी भी नहीं होने वाला। तो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, द वेट ऑफ ग्लास शीट यूज फॉर पैनल शुड बी ग्रेटर देन 7.5 केजी पर मीटर स्क्वायर। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीपीएससी ने हमसे पूछा है वो क्या पूछा है बेटा, द नॉमिनल थिकनेस ऑफ ग्लास अवेलेबल इन मार्केट रेंजेस इन बिटवीन। नाउ मार्केट में तो बेटा बहुत टाइप के ग्लास अवेलेबल है, 3 mm से लेकर 10 mm तक भी है, 12 mm तक भी है, बट इन जनरल बात करें, इन जनरल जो जनरल हम लोग किस में यूज करते हैं, विंडो में यूज करते हैं, डोर्स में यूज करते हैं, ओके तो इन जनरल जो हम जाए मार्केट में तो इजीली अवेलेबल हो जाए हमें और ऑलमोस्ट हर शॉप पे मिले, वो कितना साइज होता है बेटा या कितने थिकनेस का होता है, 3 to 6.3 mm, जो कि इसका क्या है, नॉमिनल थिकनेस है ग्लास का जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 3 to 6.3 mm। और भी ग्लासेस अवेलेबल है बेटा मार्केट में, जैसे 10 mm का भी है, 12 mm का भी है, इनको टफंड ग्लास कहते हैं। और ये कैसे मिलेगा आपको, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको वो शॉप या वो कंपनी आपको अवेलेबल कर देगी उस साइज का ग्लास, बट इन जनरल जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज 3 to 6.3 mm थिकनेस ऑफ ग्लास। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बेटा जो अगला क्वेश्चन जीपीएससी ने हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, फॉलोइंग प्लास्टिक मटेरियल इज यूज टू मेक बिल्डिंग फ्लोर्स लेस ससेप्टेबल टू वियर एंड टियर। यानी ऐसा कौन सा प्लास्टिक मटेरियल है जिसको हमने अगर बिल्डिंग फ्लोर में यूज किया तो वो लेस ससेप्टेबल हो वियर एंड टियर के लिए, कौन सा होगा जरा बताओ। ऑप्शन पहला है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, दूसरा है पीवीसी एंड पॉलीइथाइलिन, थर्ड है ईवीए एंड लास्ट वन इज एलडीपी, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। नाउ अगर हम लोग पीवीसी एंड पॉलीइथाइलिन को यूज करते हैं फॉर फ्लोरिंग एज अ फ्लोरिंग मटेरियल तो क्या करता है ये साउंड पॉल्यूशन को भी बहुत हद तक क्या कर देता है बेटा, डिक्रीज कर देता है। और दूसरा इसका सबसे अच्छी बात, इसकी सफाई बहुत आसानी से हो जाती है, क्लीनिंग बहुत आसानी से हो जाती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं अगर हमें फ्लोरिंग के लिए यूज करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पीवीसी एंड पॉलीइथाइलिन का, क्योंकि ये लेस ससेप्टेबल है वियर एंड टियर में। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज पीवीसी एंड पॉलीइथाइलिन। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जीपीएससी ने हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, प्लास्टिक मटेरियल डेट एग्जिबिट एक्सीलेंट फटीग रेजिस्टेंट इज आर। नाउ बेटा फटीग क्या होता है, जब रिपीटेटिव लोडिंग हम लोग लगाते हैं किसी भी मटेरियल पे तो उसकी वजह से जो इंपैक्ट होता है, इसी पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, प्लास्टिक मटेरियल डेट एग्जिबिट एक्सीलेंट फटीग रेजिस्टेंट, यानी ऐसा प्लास्टिक मटेरियल जो कि एक्सीलेंट फटीग रेजिस्टेंट हो वो कौन सा मटेरियल होगा। तो कौन सा होगा बेटा, पीवीसी एंड सीपीवीसी, एचडीपीई एंड एलडीपी, एसआईपी एंड एबीएस।
नाउ इन चारों ऑप्शन में से जो मुझे सबसे करेक्ट ऑप्शन लगता है इसका, वो कौन सा है बेटा? वो है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन एंड लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। नाउ क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है? देखो इसके लिए रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। अगर हम लोग किसी आंसर को सही बोल रहे हैं तो उसका रीजन भी पता होना चाहिए, क्या कारण है कि HDPE और LDPE ही यहां पे आंसर है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये फटिग रेजिस्टेंट है। तो देखिए आप लोग HDPE का इस्तेमाल कहां करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन का, जब आप लोग 3D प्रिंटिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे भी हम लोग उसको कहां भेजते हैं, फटीग में भेजते हैं, पर क्या वहां फेल करता है क्या? नहीं फेल करता। सिमिलरली अगर हम लोग LDPE की बात करें, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन की, तो ये तो हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में जीवन में इस्तेमाल करते हैं। कहां करते हैं जरा जल्दी से बता दो बेटा, कहां करते हैं इस्तेमाल LDPE का, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से, कहां करते हो LDPE का इस्तेमाल? LDPE का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेटा जो हम लोग रोजमर्रा का सामान लेके आते हैं, खाने का चीज लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, उनको कहां लेके आते हैं? पॉलीथाइलीन बैग में लेके आते हैं, जिसको हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। वो क्या होता है? लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन होता है। तो अगर यहां पे बात करें कि चारों में सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है यहां पे जो कि फटीग रेजिस्टेंट है, तो कौन सा होगा बेटा? दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन एंड लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। नाउ बेटा जो अगला क्वेश्चन हमसे जीपीएससी ने पूछा था वो क्या पूछा था? इन माइल्ड स्टील कार्बन परसेंटेज रेंजेस इन बिटवीन। नाउ अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो कार्बन परसेंटेज कहां से कहां तक वेरी करता है? ये सेम का सेम कॉन्सेप्ट हमारी थ्योरी बुक में भी दिया हुआ था, जहां से सीधा का सीधा क्वेश्चन उठा है। कहां पे दिया है ये? लास्ट पॉइंट में दिया है, यहां पे पेज नंबर 235 बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की थ्योरेटिकल बुक में। नाउ अभी आपको दिख नहीं रहा होगा यहां पे, मैं इस पे जूमिंग इफेक्ट डालता हूं तो आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। नाउ जूमिंग इफेक्ट डालने के बाद जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा यहां पे? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टील ग्रेड दैट इज माइल्ड स्टील हैज अ कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 0.1 to 0.25%, यानी 0.1 से 0.25% के बीच में कार्बन कंटेंट वेरी करेगा। किसके अंदर बेटा? माइल्ड स्टील के अंदर। तो यहां कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.15 to 0.25%। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो जीपीएससी ने हमसे पूछा था। नाउ आप देख रहे हैं बेटा कि किस रेंज का क्वेश्चन जीपीएससी ने आपसे पूछा हुआ है। वन वर्ड आंसर, सिंपल वन वर्ड आंसर। अगर आपने बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन ध्यान से भी पढ़ा हो, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो ट्रिकी हो, सीधा वन वर्ड आंसर था, उसकी डेफिनेशन थी और उसके बारे में पूछ लिया ये क्या है बस। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप उसका नाम भी बता दोगे। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे हैं जीपीएससी ने। तो अगर यहां से हम लोग देखते हैं तो क्या बच्चे का जीपीएससी क्लियर हो रहा है? आराम से क्लियर हो रहा है। जिन बच्चों ने हमारे यहां भी तैयारी की उनका तो बहुत अच्छे नंबरों से जीपीएससी का क्लास 2 का एग्जाम एडवर्टाइजमेंट नंबर 120/2021 आराम से क्लियर हो रहा है। और जिन बच्चों ने खूब मेहनत की थी, हमारे यहां से नहीं की पर अपने आप की हो या कहीं और से की हो, और अगर उनका भी पेपर क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आपका क्लास 2 का पेपर क्लियर हो रहा है। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ केवलर 29 फाइबर यूज्ड इन FRP इज। नाउ अगेन सिंपल क्वेश्चन था, क्या पूछा है आपसे? केवलर 29 फाइबर है FRP में, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? सिंपल डेटा बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल डेटा बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअल में जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है बेटा? 2760 होती है, ओनली 2760। बट यहां पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो मैच कर रहा हूं, तो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा था? 2860 न्यूटन पर mm² और MPa, तो सबसे क्लोजेस्ट बेटा यही था, तो इसीलिए हमने ऑप्शन ए को टिक किया। बट एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी? दैट इज 2760। ओके, तो जिन बच्चों ने भी यहां पे ये सोचा कि यार एग्जैक्ट वैल्यू तो मैच कर ही नहीं रही, तो जब भी जीपीएससी के अंदर ऐसा होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू मैच ना करे तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करता, तो सबसे क्लोजेस्ट जो है उसे टिक लगाना पड़ेगा हमें। सेम यहां पे भी हमें ऐसा ही करना था, जो सबसे क्लोजेस्ट था दैट इज 2860 उसे टिक करना था। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो हमसे जीपीएससी ने पूछा है वो क्या पूछा है? विच मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज प्रिफरेबल फॉर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। सिंपल क्वेश्चन कि अगर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट करना है
तो कौन सा मेथड ऑफ क्योरिंग करेंगे? ये तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता होगा बेटा, कौन सा मेथड ऑफ क्योरिंग करोगे? अगर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ करना है तो कॉन्क्रीट के अंदर कौन सा होगा? कौन सा होगा जल्दी से बताओ, कौन सा होगा इन चार ऑप्शन में से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पे? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा यहां पे? देखिए सिंपल क्वेश्चन, अगेन हमारे थ्योरेटिकल बुक में से आया हुआ सिंपल क्वेश्चन, पेज नंबर 192, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। यहां पे कॉन्सेप्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है, मैं इसको जूम करता हूं। जैसे ही जूम किया बेटा, ये चीज आपको सामने दिखने लग गई कि दिस मेथड ऑफ क्योरिंग इज नोन एज एक्सेलरेटेड क्योरिंग सिंस एन इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड। और कौन सी मेथड है? ये स्टीम क्योरिंग है, और स्टीम क्योरिंग में भी कौन सा? तो यहां पे देखिए स्टीम क्योरिंग के लिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ओनली हाई प्रेशर स्टीम क्योरिंग। तो यहां पे सिंपल आंसर था, ऑप्शन सी करेक्ट था। अगर आपको जल्दी से गेन ऑफ स्ट्रेंथ कराना है कॉन्क्रीट के अंदर तो आप क्या करेंगे? हाई प्रेशर स्टीम क्योरिंग करेंगे। बहुत सिंपल आंसर था इस क्वेश्चन का। कई बच्चों ने इसमें स्प्रिंकलिंग वाटर दिया होगा, भाई स्प्रिंकलिंग वाटर तो नॉर्मल केस में किया जाता है, जब हम लोग कोई बीम कास्ट कर देते हैं या कोई कॉलम कास्ट कर देते हैं तो हम लोग उसमें पानी स्प्रिंकल करते हैं या पानी डालते हैं उसके ऊपर ताकि उसकी क्योरिंग हो, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ना। अगर हमें उसको फास्टर करना है तो क्या करेंगे? तो हम लोग हाई प्रेशर स्टीम को प्रोवाइड करेंगे वहां पे ताकि जल्दी से उसका गेन ऑफ स्ट्रेंथ हो। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जीपीएससी के पेपर के अंदर, वो क्या पूछा गया था? डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर का, कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी होती है। सबको पता होगा ये तो, जिसको नहीं पता होगा ना मतलब उसने इंजीनियरिंग ढंग से नहीं की बेटा। ये तो अगर बोलूं मैं कि KG1 का स्टूडेंट हो, KG1 कौन? इंजीनियरिंग का KG1। इंजीनियरिंग का KG1 कौन होता है बेटा? जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट होता है वो भी ये पढ़ता है कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी है। तो देखो जरा सेम चीज हमारे थ्योरेटिकल बुक में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 11 एल्यूमिनियम, पेज नंबर 243। नाउ अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80-85% पेपर हमारी बुक में से पूछा गया है, 80-85% पेपर। ओके नाउ कहां पूछा गया है? तो ये आपको यहां दिखाई दे रहा होगा लास्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट। हां डेफिनेटली अभी दिखाई है, सिर्फ आपको ये एरो दिख रहा होगा, ये पूरा डिटेल में नहीं दिख रहा होगा। डिटेल में देखते हैं बेटा इसको, इस पे जूमिंग इफेक्ट डाल के। जूमिंग इफेक्ट डालने के बाद कुछ दिखाई दे रहा होगा यहां पे, इट इज लाइट वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। नाउ बेटा अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 आ गई तो आपको पता है डेंसिटी कितनी होगी। डेंसिटी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू पता होती है। किसके बराबर होता है ये? डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 2.7 दे के रखा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालना है आपको, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा पानी होता है, और पानी की डेंसिटी कितनी होती है बेटा? 1000 kg per meter cube। नाउ सॉल्व कर लो इसको, यहां से इसको कन्वर्ट कर लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहां पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 2.7 के आसपास दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, दैट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन था भाई, वेरी बेसिक क्वेश्चन। सिर्फ एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी अगर पता होती तो भी काम चल जाता। ओके नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जीपीएससी के पेपर के अंदर, वो कौन सा है बेटा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लाई ऐश इज इन द रेंज ऑफ। नाउ अगर फ्लाई ऐश की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो कौन से अपरेटस से निकालते हैं बेटा? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से कौन से अपरेटस से निकालते हैं? ब्लेन परमेबिलिटी अपरेटस से हम लोग इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करेंगे, किसकी? फ्लाई ऐश की। और वो कितनी आती है बेटा? वो आती है 2.123 के बीच में। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंपल डेटाबेस क्वेश्चन था, कोई यहां पे रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल डेटाबेस क्वेश्चन था ये। ओके सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा हमसे पूछा गया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर पैरेलल टू द फाइबर्स इज इन द रेंज ऑफ। नाउ वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द टिम्बर। कहां से पूछा गया? अगेन हमारी बुक में से पूछा गया, पेज नंबर 29 यहां आपको दिख रहा होगा, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। यहां पे पूरा पूरा लिखा हुआ है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा? 500-2000 kg/cm² के बीच में होनी चाहिए। नाउ यहां पे कौन सा ऑप्शन मैच करता है?
जरा ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, क्योंकि अगेन अगर बिल्कुल सही आंसर नहीं दिया तो रेंज देखनी पड़ेगी आपको और क्लोजेस्ट पॉसिबल रेंज देखनी पड़ेगी। वो कौन सा दिख रहा है हमारा है 500 से 2000 के बीच में, अगर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 50 से 200 के बीच में आता है। अब 50 से 200 के बीच में पहला ऑप्शन तो आ नहीं रहा, तीसरा और चौथा ऑप्शन उसके बाहर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ ऑप्शन बी बचता है, दैट इज 80 to 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन बेटा जो हमसे पूछा गया था जीपीएससी के पेपर के अंदर, सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिक, क्या पूछा गया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिक, क्या पूछा गया था बेटा यहां पे देखिएगा, एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1077/1957 द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी। नाउ ये तो हर बच्चे को पता होगा कि मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कितनी होती है बेटा, कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके नाउ हमारे बुक में भी दिया हुआ है, अगेन बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पेज नंबर 64, यहां आपको ये पॉइंट सामने दिख रहा होगा, दैट इज मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू 3.5 एमपीए या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, जैसे ही मैंने इसको थोड़ा जूम किया यहां पे ये पॉइंट दिखना शुरू हो गया क्लियरली, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कम से कम कितनी हो सकती है 3.5, इससे कम हो सकती है क्या, कभी नहीं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ब्रिक के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो चाहिए, तो ग्रेटर देन 3.5 एमपीए, 3.5 एमपीए से हमेशा ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अदरवाइज वो ब्रिक थर्ड क्लास ब्रिक से भी बेकार ब्रिक बनेगी। समझ में आई बात, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट था बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बेटा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया जीपीएससी के एग्जाम के अंदर वो क्या था, M20 grade of concrete has the following proportion of the ingredients of cement, sand and coarse aggregate. Now, again, बच्चों वाला क्वेश्चन बेटा, अगेन बच्चों वाला क्वेश्चन, क्यों, ये हम लोग कब पढ़ते थे, पहले सेमेस्टर में पढ़ते थे कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के हिसाब से उसका प्रपोर्शन क्या होगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का प्रपोर्शन क्या होगा अगर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट चेंज कर रहा है तो। यहां क्या पूछता है, M20 के लिए बता दो भैया कि सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का प्रोपोर्शन क्या होगा। अगेन सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बुक से लिया गया है, और बुक की क्या बात करते हो यार, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता होता है, क्योंकि आपने जब सबसे पहली बार कॉलेज में एंटर किए होंगे पहले सेमेस्टर में तो आपको प्रैक्टिकल सिखाया गया होगा, प्रैक्टिकल कौन से करवाए होंगे, स्लम कोन टेस्ट करवाया होगा, कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट करवाया होगा आपसे, तो वहां पे आपने जब सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को नापा होगा, वे किया होगा, तो किस हिसाब से किया होगा, उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग किया होगा, तो ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और हर बच्चा पढ़ता है। तो देखिए अगेन पेज नंबर 181 फ्रॉम सेम बुक बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये टेबल दिया हुआ है मिक्स प्रोपोर्शन के लिए। अब यहां पे आपको इतनी वैल्यू में समझ में नहीं आ रहा कौन सी वैल्यू लें, तो मैं फिर से इस पे जूमिंग इफेक्ट डालता हूं, जैसे ही बेटा जूमिंग इफेक्ट डाला आपको M20 के लिए यहां पे प्रोपोर्शन दिखना शुरू हो गया, कितना 1:1.5:3, यानी एक पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 1, 1.5 एंड 3, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सिंपल क्वेश्चन था, इससे डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जीपीएससी के पेपर के अंदर वो क्या पूछा गया है, मोटार यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वॉटर लॉक्ड एरिया एंड एक्सपोज्ड पोजीशंस इज ऑफ द प्रोपोर्शन। नाउ कोई वॉटर लॉक्ड एरिया में अगर हमको मोटार यूज करना है तो किस प्रोपोर्शन का मोटार हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए आपको यहां पे सिंपल एक टेबल दिया हुआ है मैंने, अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है वॉटर लॉक्ड एरिया में और एक्सपोज कंडीशन में तो कितने का आपको प्रोपोर्शन यूज करना पड़ेगा, 1:3 का सीमेंट मोटर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 1:3, सिंपल क्वेश्चन। ओके नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बेटा ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो देखने की भी जरूरत नहीं थी, देखने की भी जरूरत नहीं थी, दिखा इंटरलॉक करना है, अच्छा ब्रिक को इंटरलॉक करना है,
तो ब्रिक को इंटरलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भैया अगर आपको किसी के साथ इंटरलॉक होना है तो क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे का हाथ एकदम ढंग से पकड़ना पड़ेगा, लाइक दिस, कि एक दूसरे से बॉन्ड अच्छा बने, तब तो इंटरलॉकिंग प्रॉपर होगी। तो ब्रिक में इंटरलॉकिंग कैसे होती है बेटा? अगर ब्रिक का सरफेस एकदम प्लेन हो, उसके ऊपर आपने मोर्टार रखा और अगला ब्रिक रखा, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही लोड आएगा एक दूसरे पे स्लिप कर जाएंगे, क्योंकि इंटरलॉकिंग तो हुई नहीं है। तो इंटरलॉकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? बॉन्ड बनाना पड़ेगा जो आपने भी बनाया है, ठीक है। तो कैसा बॉन्ड बनेगा यहां पे? यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो किस वजह से बनता है बेटा? इस वाले पोर्शन की वजह से, जो दिखाई दे रहा है आपको, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रॉग। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, देखिएगा। इंडेंटेशंस ऑन द ब्रेक प्रोवाइडेड टू फॉर्म अ की फॉर होल्डिंग द मोटर इज कॉल्ड। भैया सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा, दैट इज ऑप्शन सी, फ्रॉग। सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर, दैट इज फ्रॉग। नाउ मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जीपीएससी के पेपर के अंदर, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? स्टोन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड। यानी अगर थ्रू आउट द थिकनेस के अलॉन्ग कोई स्टोन एक्सटेंड कर रहा है तो उस स्टोन को हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा स्टोन, ये वाला, मैं कलर चेंज करता हूं पेन का, ये वाला हिस्सा दिख रहा है बेटा, ये वाला पूरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं थ्रू स्टोन। तो यहां पे जो अलोंग द थिकनेस पूरा का पूरा एक्सटेंड हुआ है वो कौन सा स्टोन है? थ्रू स्टोन है। तो यहां कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन बी, दैट इज थ्रू स्टोन। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो जीपीएससी ने हमसे पूछा है वो क्या है? मेसनरी बिल्ट ऑफ केयरफुल्ली ड्रेस्ड स्टोन्स एंड हैविंग वेरी थिन जॉइंट्स इज टर्म्ड एज। नाउ अगर हम लोग फुल्ली ड्रेस्ड स्टोन का इस्तेमाल करें, यानी हम लोग ने उसके साइड को बहुत अच्छे से काट के बराबर कर दिया हो, एकदम प्रॉपर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हम लोग स्टोन को लेके आ गए हो, और फिर उसको हमने यूज किया हो स्टोन मेसनरी के अंदर, तो कौन सी मेसनरी होती है? आप सबको पता है बेटा वो कौन सी मेसनरी होती है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर, एशलार मेसनरी। नाउ सेम का सेम कॉन्सेप्ट हमारी बुक में दिया हुआ है, अगेन पेज नंबर 312, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सेम बुक। नाउ कहां दिया गया है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। थोड़ा सा आप सबके लिए जूमिंग इफेक्ट डालता हूं इस पूरे के पूरे पेज। नाउ जूमिंग इफेक्ट डालने के बाद आपको ये पूरी डेफिनेशन दिखाई दे रही है एशलार मेसनरी की, और ये एशलार मेसनरी दिख रहा है जिसमें देखिए आप स्टोन प्रॉपर शेप एंड साइज का है, दिख रहा है आपको एकदम प्रॉपर शेप एंड साइज का स्टोन्स को हमने इस्तेमाल किया है ना, फुल्ली ड्रेस स्टोन को इस्तेमाल किया है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग एशलार मेसनरी कहते हैं बेटा। ओके नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बेटा जो अगला क्वेश्चन जीपीएससी ने हमसे पूछा है वो क्या है? एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग प्रोजेक्टिंग एजेस ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ स्टेयर इज टर्म्ड एज। नाउ सेम का सेम कॉन्सेप्ट हमारी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 348, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हैं कितने ज्यादा क्वेश्चन हमारी ही बुक से पूछे जा रहे हैं, आपको सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 80-85% क्वेश्चंस हमारी ही बुक से पूछे गए हैं। देखिए ये वो पेज है जहां पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, अभी ज्यादा क्लियर नहीं होगा ये पेज, इसीलिए मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा और आपको बिल्कुल क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे ही जूम किया मैंने, यहाँ पे नोजिंग की डेफिनेशन खुल के आ गई। क्या बोलता है? द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर इज नोन एज नोजिंग। क्लियर? द टर्म लाइन ऑफ नोजिंग इज यूज टू डिनोट एन इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द स्ट्रिंग्स एंड टेंजेंशियल टू द नोजिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा? यहां पे ऑप्शन एक ही करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज नोजिंग लाइन। सो इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान था निकालना। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीपीएससी में पूछा गया है हमसे वो क्या पूछा गया बेटा? सेमी सर्कुलर और वी शेप्ड रिसेस formed in board or piece of wood is termed as। Now semicircular और V shape दो अलग अलग चीजें हैं, बट इसने क्या कहा है? कि यहाँ पे recess form हो रहा है, यानी कि इस type में कुछ structure form हो रहा है जो आपको यहाँ दिख रहा है। Okay? Similarly यहाँ पे आपको दिख रहा है इस type का structure form हो रहा है। तो अगर कभी भी ऐसे कोई चीज काट दी जाती है wood के अंदर से, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हमेशा ग्रूव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रूव कहते हैं। तो यहां कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज ग्रूव। सिंपल आंसर था।
इन दोनों की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ रिसेस फॉर्म्ड भी कह देता तो भी समझ में आ जाता कि ग्रूव ही इसका आंसर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे जीपीएससी के एग्जाम के अंदर वो क्या है, वर्टिकल फेस ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग विच सपोर्ट्स द फ्रेम इज कॉल्ड एज। नाउ बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, और अगेन हमारी ही बुक से पूछा गया, पेज नंबर 361, डेफिनेशन ऑफ जैम। क्या है ये, द वर्टिकल वॉल फेस ऑफ एन ओपनिंग विच सपोर्ट्स द फ्रेम ऑफ डोर एंड विंडो इज नोन एज जैम। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल था, क्या था आंसर बेटा इसका, इसका आंसर जैम था। तो बेटा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल डेफिनेशन थी जैम की और आपसे पूछ लिया गया था इसको क्या कहते हैं, यानी सिंपल सा आपसे उस डेफिनेशन का मेन हेडिंग पूछ लिया गया था, नथिंग एल्स। तो इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे बिल्डिंग मटेरियल में से, काफी क्वेश्चन आए थे इस बार, ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन पूछे गए फ्रॉम द बिल्डिंग मटेरियल। तो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा का पूरा बता दिया। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, बेल बटन को हिट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना पॉसिबल हो पाए इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। नाउ जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो फिर से एक और सब्जेक्ट लेके आऊंगा आपके साथ, और उसके भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर, कौन से पेपर के अंदर बेटा, जीपीएससी सिविल क्लास 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर 120/2021 नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।